अल्लाह रहमान रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 पेज नंबर 52। ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके पीछे जितनी भी थ्योरी है वो हम सारी कर चुके हैं, सारी एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, सारे प्रॉपर्टीज़ जो कुछ भी है सब कुछ हम कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप ख़ुद भी ये एक्सरसाइज ईजी सॉल्व कर सकते हैं वो वीडियोज़ देख कर, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करने की अटैम्प्ट करते हैं। तो आप अभी कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। आप हमारी वीडियोज़ को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। हमने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसके 7 पार्ट्स हैं। पहले 3 पार्ट्स हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट यह है कि -3√ इज इक्वल टू 3। ये ट्रू है कि फॉल्स है। इसको हम सॉल्व करते हैं। हम आपको बताएंगे कि -3 को हम -1 × 3 करके लिख सकते हैं। -1 × 3 क्या होगा? -3 ही होगा। तो -3 को हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको अगेन लिखेंगे -1 × 3। आपको पता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1√ और 3√, और फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं -1√ और 3√। यानी जो -1 × 3√ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1√ और √3। ठीक है, हमें ये पता है कि -1√ जो होता है ये होता है एटा, या जगह एटा √3 और फिर /, ये भी -1√ है एटा √3। √3 क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा ये 3 आ जाएगा। अभी 3 आ गया और 7 आ गया, एटा इंटू एटा एटा स्क्वायर। एटा स्क्वायर हमें पता है ये होता है -1। तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3। इस साइड पे क्या है, इस साइड पे 3 है, तो ये है फॉल्स। हम दोबारा जो है ये करते हैं, इसमें स्पेस हमने थोड़ी यूज़ की है, हम ज़्यादा स्पेस यूज़ करके इसको दोबारा से आपके लिए करते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। हमने आपको ये बताया कि इसको हम लिख सकते हैं -1 × 3 √, इसको भी लिख सकते हैं -1 × 3। अब इसको हम अलग-अलग से भी कर सकते हैं, -1√ और √3 ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको भी अगेन ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें ये पता है कि ये होता है एटा, ऐसे रहेगा, और ये होता है एटा, ये ऐसे रहेगा। एटा एटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 √3 से मल्टीप्लाई होगा, ये एटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर। ये होता है -1 और ये होता है 3, तो ये -3 आ रहा है, यहाँ पे है 3, ये आ गया फॉल्स। इन दोनों साइड्स में वो इक्वल नहीं है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है एटा 73 इज इक्वल टू -8। सेकंड पार्ट है, हम इसको करें, हमने क्या करना है कि एटा का स्क्वायर बनाना है, क्योंकि एटा स्क्वायर होता है -1। इसको करेंगे एटा स्क्वायर √36। 2 × 36 होता है 72। यह 73 × एटा आ जाएगा। ठीक है, ये एटा स्क्वायर हो गया -1, इसकी पावर 36 × एटा, ये -1 ही रहेगा। -1 जब ये पॉजिटिव होते हैं तो ये +1 हो जाता है × एटा, ये आ जाएगा एटा। ठीक है, इस साइड पे क्या -8, तो ये होगा फॉल्स। दोबारा आपको बताते हैं कि एटा 73 को हमने कर दिया एटा रिस्क पावर 2 और उसके लिए पावर 36। 2 × 36 होता है 72। ये 72 हो गया और × एटा काट दिया, ये हो गया 73 हो जाएगा, एटा पावर 73 हो जाएगा। एटा स्क्वायर जो है ये -1 आ गया, उसकी पावर 36 × एटा। जब पॉजिटिव होती है, जैसे ये -1 का स्क्वायर होता है -1 × -1, तो हम क्या करते हैं कि ये इससे काट देता है, -1 प्लस होता है तो 1 आ जाता है। यानी जब ये इवन नंबर होगा पावर जो है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये चूंकि इवन नंबर है तो ये यहाँ पे पॉजिटिव ये आ गया 1।
योटा ऐसे कैसे आ गया, तो योटा आंसर आ गया, यहाँ पे क्या है माइनस योटा, तो इसलिए ये भी क्या है फाल्स है। नंबर थ्री है योटा 10 इज इक्वल टू माइनस वन, योटा की पावर 10, इसको लिखेंगे हम योटा स्क्वायर पावर 5। योटा स्क्वायर पावर 5 का मतलब क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो योटा 10 नहीं होता है। योटा स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, इसकी पावर 5, जब ये ऑड होती है पावर तो आंसर जो है माइनस ही आता है, माइनस वन आ गया, तो इधर भी क्या है माइनस वन है, तो ये क्या है ट्रू।